प्रायर ट्रावर्सल में हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि उसके जो बेस बेसिक्स है, तो ये इसका एक सीरो कोड है यहाँ पे, स्ट्रक्ट सी का कोड है, सी का सीरो कोड। नोड ऐसे बनाया जा सकता है, एक नोड उसमें कैरेक्टर डेटा, डेटा किसी भी टाइप का हो सकता है, चाहे कैरेक्टर टाइप हो, क्योंकि हम यहाँ पे ले रहे हैं कैरेक्टर टाइप ए बी सी डी समथिंग लाइक दैट। और उसको एक लेफ्ट चाइल्ड होगा और उसको एक राइट चाइल्ड होगा, इन केस उसका होगा, अगर नहीं होगा तो देन नल। एंड सीरो कोड फंक्शन फॉर प्री ऑर्डर, कैसे हम प्री ऑर्डर में एक फंक्शन बनाएंगे ये हम देखेंगे आगे जब हम प्रोग्राम पे आएंगे तो हम देखेंगे। जनरली अभी इसमें क्या है कि वी हैव अ रूट, ठीक है, ये रूट का स्टार्टिंग एड्रेस है, रूट असल में ये है एफ, तो इसका एक लेफ्ट है, लेफ्ट का जो एड्रेस है 150, इस नोड का एड्रेस है 150, खुद रूट का एक एड्रेस होगा, ये किसी ना किसी जगह पे स्टोर होगा, वो यहाँ पे हमने डिफाइन किया है विद 200। ऐसे जब राइट पे जाएगा 350 है इसके राइट में, इसका मतलब जो नोड है राइट में उसका एड्रेस 350 है, ये जे वाला। ऐसे ही हम देख रहे हैं यहाँ पर हर एक नोड पे एक लेफ्ट वैल्यू और एक राइट वैल्यू है। जहां पर लेफ्ट वैल्यू जीरो हो या राइट वैल्यू जीरो है, दैट मीन्स उसका लेफ्ट चाइल्ड या उसका राइट चाइल्ड नहीं है, और जिनके लेफ्ट चाइल्ड भी जीरो हो और राइट चाइल्ड भी जीरो है, इसका मतलब वो लीव्स है। जैसे ये लीव है सी, लेफ्ट भी जीरो राइट भी जीरो, ऐसे ही ए में लेफ्ट भी जीरो है राइट भी जीरो है, ऐसे ही वैल्यू आई लेफ्ट एंड राइट बोथ ऑफ द जो इसके पॉइंटर्स है इनमें जीरो है, यानी जिन्हें हम असल में नल बोलते हैं प्रोग्राम में, यहाँ पर नल लिखा है, नल बोलते हैं, तो नल वैल्यू यहाँ पे दिखाया गया है जीरो से, तो जो नल वैल्यूज है एक्चुअली, तो उसका मतलब कि ये इनमें है ही नहीं कुछ, कि लेफ्ट में या राइट में या दोनों में, लेफ्ट राइट दोनों में कुछ नहीं है। जैसे सीरो कोड हियर नाउ, सेकेंड फॉर्म ऑफ ट्रेवर्सल या सेकेंड वे ऑफ ट्रेवर्सल इज इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, हाउ टू ट्रेवल इन ऑर्डर। जो हमने पहले ही देखा था, इन ऑर्डर का मतलब पहले लेफ्ट आएगा, फिर रूट आएगा, एंड फिर राइट ट्री आएगा, ठीक है। लेफ्ट यानी पहले लेफ्ट, जैसे हमने पहले भी बात की थी कि रूट जो राइट ऑब्जेक्ट राइट सब ट्री है वो हमेशा लेफ्ट के बाद ही आएगा, देयर इज नो कॉम्बिनेशन इन विच राइट सब ट्री कम्स पैरेलल टू द लेफ्ट सब ट्री, ठीक है। हर एक कॉम्बिनेशन में जो राइट है राइट सब ट्री है वो लेफ्ट के बाद ही आएगा। तो इन ऑर्डर में क्या होता है, इन ऑर्डर में होता है इन बिटवीन, इसका मतलब जो रूट है वो इन बिटवीन आएगा, इन बिटवीन। तो पहले क्या होगा, द इन ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ ए नॉन एम्प्टी बाइनरी ट्री इज डिफाइंड एज फॉलोज। तो ये ऐसे डिफाइन किया जाता है, ट्रेवर्स द लेफ्ट सब ट्री इन ऑर्डर, पहले हमें लेफ्ट सब ट्री को इन ऑर्डर में ट्रेवर्स करना है, विजिट द रूट फिर रूट को करना है, एंड ट्रेवर्स द राइट सब ट्री इन ऑर्डर, फिर राइट पे जाना है। तो अगर हम देखें, पहले हमने इसको किया, फिर हम यहाँ पे आए और फिर हम यहाँ पे गए, तो जो रूट है ये इन द मिडल आ गया, इन द मिडल, तभी इसको बोलते हैं इन, इट इज बिटवीन द लेफ्ट सब ट्री एंड द राइट सब ट्री, ठीक है। The root is in the between of the left subtree and the right subtree. This means that whenever we have to traverse using the in-order way of traversal, we first have to go to the left subtree, and then we have to move towards the right subtree. Now, towards the first the left subtree, then the root, and then towards the right subtree. And this is a basic definition, a basic mechanism how we can traverse in a in-order traversal mechanism. तो यहाँ पर हम देखेंगे, अगर हम इसका आउटपुट देखें, इसका आउटपुट कैसे करना है, तो इन ऑर्डर क्या बोल रहा है, पहले लेफ्ट में चले जाओ, तो पहले लेफ्ट चलेंगे। जब हम रूट से, हमारा रूट ए है, हम लेफ्ट चले गए, हम बी पे पहुंच गए, लेकिन अगर देखा जाए जब हम ए से बी पे पहुंच गए, ये जो पोर्शन है ये खुद में एक सब ट्री है, ये खुद में एक सब ट्री है। अगर ये खुद में सब ट्री है तो इसको भी इन ऑर्डर में ही चलना पड़ेगा, इसका मतलब
इस रूट को हम प्रोसेस नहीं करेंगे, हम लेफ्ट पे जाएंगे। अगर लेफ्ट है, यहाँ पे लेफ्ट अवेलेबल है तो यहाँ पे पहुंच गए। जब हम यहाँ पे पहुंच गए, हम फिर से देख रहे हैं ये वाला ऑप्शन, ये वाला पोर्शन, ये खुद में एक सब ट्री है। जब ये खुद में एक सब ट्री है, इसका मतलब हमें फिर से लेफ्ट में जाना पड़ेगा। हम यहाँ पे पहुंच गए। सो हम रूट से स्टार्ट करके, पहले ए से स्टार्ट करके उसके लेफ्ट बी में आ गए, फिर बी में देखा हमने इसका भी लेफ्ट है। जब इसका लेफ्ट है तो हम फिर से डी में आ गए। जब हम डी ऑप्शन पे पहुंचे, डी वाले नोड पे पहुंचे, तो हमने देखा इसका भी तो एक लेफ्ट है। तो हम एक्सट्रीम लेफ्ट में आ गए एक वैल्यू पे, एक नोड पे जो एच है, और हमने देखा एच का लेफ्ट है ही नहीं। अगर लेफ्ट है नहीं तो इसका मतलब हमें इसके बाहर जाना नहीं है। तो हमें क्या बोल रहा है, हमने हमारा ऑप्शन क्या है, पहले लेफ्ट फिर रूट फिर राइट, तो राइट हमें बाद में देखना है। तो लेफ्ट तो है नहीं, तो हम रूट पे आ गए, तो हम एच देखेंगे। इसका मतलब पहला ऑप्शन जो है यहाँ इसने देखा, तो पहला एच आएगा। ठीक, अब जो पहला एच आ गया, एच का राइट भी नहीं है, हम एच के राइट पे चले जाते, क्योंकि लेफ्ट रूट एंड राइट, लेफ्ट तो है नहीं, अब रूट को हमने क्रॉस किया, अब एच का राइट तो है नहीं, तो हम वापस चलेंगे। तो एक स्टेप क्या करेंगे, हम वापस चलेंगे, हम वापस आ गए ऐसे। जो ही हम वापस आ गए डी पे पहुंच गए, जो ही हम डी पे पहुंच गए, हमने क्या कर रहे हैं यहां पे देखना है, क्योंकि हमने इसका लेफ्ट खत्म कर लिया है। इन ऑर्डर बोल रहा है पहले लेफ्ट खत्म करो फिर रूट को खत्म करो। इसका मतलब जब लेफ्ट खत्म कर दिया तो हम उसके रूट को खत्म करेंगे, इसका मतलब डी को खत्म करेंगे, डी को डिस्प्ले करेंगे यहां। तो डी प्रोसेस हो गया। अब देखो इस डी का लेफ्ट प्रोसेस हो गया है, खुद डी भी प्रोसेस हो गया है। अब तीसरा स्टेप बच जाता है इसका राइट। सो नाउ वी हैव टू मूव टुवर्ड द राइट साइड ऑफ दिस नोड, एंड व्हेन वी आर मूविंग टुवर्ड द राइट ऑफ दिस नोड, राइट सब ट्री ऑफ दिस नोड या राइट चाइल्ड ऑफ दिस नोड, वी आर रीचिंग टू अ नोड कॉल्ड एज एच। तो अब यहां पर हम एच पे पहुंच जाते हैं, आई पे पहुंच जाते हैं। तो डी का जो राइट है वो आई है, तो हम आई को के पास जब पहुंच जाते हैं, हम देख रहे हैं कि आई का ना तो लेफ्ट है ना तो राइट ही है। तो आई तो एक आइसोलेट लीफ नोड है, जब लीफ नोड है इसको प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस या डिस्प्ले करेंगे, तो हम यहाँ पे आ गए, तो आई भी आ गया, तो हमारा थर्ड ठीक है, हम ठीक में चल रहे हैं। अब ऑब्वियसली आई तो लीफ नोड है, हमें वापस जाना पड़ेगा डी पे। जब वापस गए हम डी पे, आई से लेके वापस डी पे गए, हमने देखा डी को हमने पहले ही प्रोसेस किया हुआ है। इसका मतलब अगर डी को हमने पहले ही प्रोसेस किया हुआ है और हम उसके राइट से वापस आ रहे हैं, इसका मतलब ये जो डी वाला सब ट्री है ये सारा का सारा प्रोसेस हो गया है। दिस सेक्शन ये जो सब ट्री है डी वाला, ये हमने प्रोसेस कर लिया है। जब ये हमने प्रोसेस कर लिया है, अब हमें क्या करना होगा, अब हमें डी से एक स्टेप वापस, क्योंकि हम डी से आगे कहीं से पहुंचे थे डी पे, तो हम वापस पहुंच जाएंगे उस पे, तो हम बी पे पहुंच गए। अब जब हम बी पे पहुंच गए, हमने देखा उसका लेफ्ट हमने खत्म कर लिया है, उसका लेफ्ट हमने डिस्प्ले कर लिया है, प्रोसेस कर लिया है। तो इन ऑर्डर क्या बोल रहा है, पहले लेफ्ट को करो। जी जनाब, हमने लेफ्ट का तो खत्म कर लिया है, तो अब क्या कर रहे हैं, अब रूट को करो। इसका मतलब अब बी को प्रोसेस कर रहे हैं, तो हम बी को प्रोसेस करेंगे, यहाँ पे बी आ जाएगा। ठीक है, अब बी को प्रोसेस कर लिया, उसको इन ऑर्डर बोल रहा है पहले लेफ्ट फिर रूट और फिर राइट में चले जाओ, फिर बी के राइट में चले जाएंगे। बी के राइट में जाते हैं, हमें ई मिल जाता है। जब ई हमें मिल गया, हमें यहाँ पे एक क्लियर ऑप्शन आ रही है कि जब आप ई पे पहुंच जाओगे, ई पे क्या मसला है कि ना राइट है इसका ना लेफ्ट है इसका, इसका मतलब ई को प्रोसेस करो। हमने ई को प्रोसेस किया। अब जब ई को प्रोसेस किया, हमें वापस आना पड़ता है उसके रूट पे, क्योंकि आगे तो कहीं जा नहीं सकते, ई तो एक लीफ नोड है। जब हम वापस उसके रूट पे आ गए, यानी हम पहुंच गए बी पे। अब जब बी पे पहुंच गए, हमने बी तो पहले से ही किया है, इन ऑर्डर तो बोल रहा है पहले रूट को ही प्रोसेस करो, लेफ्ट को बाद में रूट को प्रोसेस करो, राइट से पहले तो रूट को ही हम प्रोसेस कर रहे हैं। जब रूट को प्रोसेस किया है, इसका मतलब हमें एक स्टेप वापस जाना पड़ेगा, इसका मतलब हमें बी के पेरेंट को जाना पड़ेगा, जो कि खुद रूट है, क्योंकि रूट ऑफ दिस ट्री है यानी ए। तो हम ए पे पहुंच गए।
अब ए का देखो, ए का लेफ्ट सारा जो है, जो भी ए के लेफ्ट में वैल्यूज है, एच आई डी ई बी एच डी आई बी ई, ये सारा जो यहां तक है इस वाले में, हमने तो ये पहले ही डिस्प्ले करके रखा है, यानी इसको हमने प्रोसेस कर किया है। अगर इसको लेफ्ट को प्रोसेस किया है, फिर हमारा इनऑर्डर बोल रहा है लेफ्ट के बाद आप रूट को करो प्रोसेस। इसका मतलब अब नेक्स्ट जो एंट्री आएगी वो हम रूट को करेंगे, यानी ए को प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो हमने ई को प्रोसेस किया, ए को प्रोसेस किया, यानी रूट को प्रोसेस किया। इसका मतलब ये सारा सेक्शन रूट विद इट लेफ्ट सेक्शन सारा खत्म हो गया। जब लेफ्ट किया उसके बाद रूट को खत्म किया, उसके बाद हमने प्रोसेस करना उसको राइट को, यानी हम अब यहां चलेंगे। ठीक है, अब राइट पे पहुंच जाते हैं, हमें पहले एक रूट मिल जाता है, एक और पैरेट नोड मिल जाता है जो सी, जिसका वैल्यू सी है। लेकिन राइट में भी चलना है, इनऑर्डर फिर से काम आएगा। इनऑर्डर क्या बोल रहा है, किसी भी नोड पे पहुंचोगे पहले उसके लेफ्ट को करो प्रोसेस। इसका मतलब सी को प्रोसेस नहीं करना है, पहले उसके लेफ्ट को प्रोसेस करना है। वो एफ है तो एफ को प्रोसेस किया यहाँ पे। अब एफ तो खुद एक लीफ है, यहाँ से आगे कहीं जा नहीं सकते, वापस जाएंगे सी पे। अब जब सी पे वापस जाएंगे, यानी इसका सी का हमने लेफ्ट खत्म कर लिया है, जब लेफ्ट खत्म कर लिया तो हम रूट को खत्म करेंगे। जब रूट यहाँ पे, या इसको हम बोलेंगे पैरेट नोड, यहाँ पे पैरेट नोड, यहाँ पे सी है तो सी को डिस्प्ले करेंगे। जब सी को हमने डिस्प्ले कर दिया, फिर उसके हमें राइट पे जाना है। जब हम इसके राइट पे जाते हमें खाली एक नोड मिल जाता है, वो जी है, और हम जी को डिस्प्ले यहाँ पे करा देते हैं। तो इस तरह से हम क्या इन ऑर्डर में क्या किया हमने, पहले हम लेफ्ट पे पहुंच गए, लेफ्ट लेफ्ट पहुंच गए, एंड वी रीच टू अ नोड कॉल्ड एज एच। ठीक है, फिर एच के बाद उसके पेरेंट पे, फिर पेरेंट के बाद उसके राइट पे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करते करते हमने क्या किया, वी रीच इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इन ऑर्डर का फिर से वो सीडो कोड दिया हुआ है, सीडो कोड इट इज मोस्टली स्ट्रक्ट यूज, यहाँ पे स्ट्रक्ट यूज हुआ, यानी कि ये यूजिंग सी लैंग्वेज है। तो ऐसे ही कैरेक्टर डेटा, जैसे हम हमें पता है ये डेटा एक सिंगल भी हो सकता है, इट कैन बी ए कॉम्प्लेक्स डेटा एज वेल। तो यहाँ पर हम डेटा को मानेंगे, फिर एक की, हमारे कॉम्प्लेक्स डेटा में एक की आइटम भी होता है जिसको हम लेके ज्यादातर प्रोसेसिंग करते रहते हैं। देन उसका लेफ्ट होगा और राइट, लेफ्ट और राइट दोनों पॉइंटर्स होगी, तो दैट टाइप ऑफ नोड, जिस टाइप का हमें एड्रेस सेव करना होता है उसी टाइप का हमें पॉइंटर भी बनाना पड़ता है, इट इज यूज्ड फॉर द पॉइंटर अरिथमेटिक एज वेल। और फिर हमने इसको एक फंक्शन बनाई है इन ऑर्डर नोड रूट, ये जो एक सीडो कोड है, इसका जो बाजार एक प्रोग्राम है वो हम आइंदा करेंगे